अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द केमिस्ट्री। हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे थे। लास्ट टाइम हमारे जो टॉपिक था लास्ट लेक्चर वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री था। हमने कुछ बातें की थी कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रोलाइसिस, व्हाट इज़ आयोनाइजेशन, ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है। हमने आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के हमने ऑक्सीडेशन नंबर असाइन किए थे, रूल्स फॉर असाइनिंग ऑक्सीडेशन स्टेट। हमने ऑक्सीडेशन स्टेट असाइनिंग के कुछ रूल्स पढ़े थे। उसके अलावा हमने इलेक्ट्रोलाइसिस की बात की थी कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है और इलेक्ट्रोलाइसिस से जनरली क्या प्रोडक्ट बनते हैं। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियल इम्पोर्टेंस, कुछ इंडस्ट्रियल इम्पोर्टेंस के इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस, ऐसे इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस जो कि हम इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं और उनके बारे में हमें मालूम होना चाहिए, जो कि हमारे कोर्स का हिस्सा है। सबसे पहले हमारे पास है मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम, मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम। इलेक्ट्रोलाइसिस के जरिए सोडियम मेटल मैन्युफैक्चर किया जाता है और इसे कहते हैं डाउन्स सेल। सोडियम मैन्युफैक्चर किया जाता है बाय यूजिंग डाउन्स सेल। डाउन सेल में इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है मोल्टेन सोडियम क्लोराइड का, किसका, फ्यूज्ड सोडियम क्लोराइड, NaCl फ्यूज्ड और मोल्टेन, ठीक है, नॉट एक्वस। इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, ये डिसोसिएट होता है Na पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव आयन में। एनोड पे हमारे पास जाएगा एनाइन, सी एल नेगेटिव आइन एनोड पे जाएगा, सी एल टू क्लोरीन गैस प्रोड्यूस करता है, प्लस टू ई नेगेटिव दो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, क्योंकि हमने बात की थी कि ऑक्सीडेशन अकर्स एट एनोड। हमें ये सेंटेंस याद रखना है, ऑक्सीडेशन अकर्स एट एनोड, तो एनोड पे ऑक्सीडेशन होगी एंड ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैथोड पे होने वाला रिएक्शन क्या होता है, डाउन सेल में कैथोड पे हमारे पास रिएक्शन होगा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैटाइन कैथोड पे आएगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और प्रोड्यूस करेगा सोडियम सॉलिड मेटल जो के कलेक्ट कर लेंगे कैथोड पे। तो ये हमारे पास डाउन सेल है। ओवरऑल रिएक्शन अगर हम लिखेंगे तो 2Cl नेगेटिव प्लस टू एन ए पॉजिटिव प्रोड्यूस सी एल टू प्लस टू एन ए सॉलिड, ये डाउन सेल का हमारे पास ओवरऑल रिएक्शन हो जाएगा। दूसरा इंडस्ट्रियल प्रोसेस, इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल प्रोसेस है हमारे पास नेल्सन्स सेल। नेल्सन्स सेल और मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और इसे हम कहते हैं कास्टिक सोडा। सोडियम हाइड्रोक्साइड को ही कहा जाएगा कास्टिक सोडा। तो मैन्युफैक्चर ऑफ कास्टिक सोडा और सोडियम हाइड्रोक्साइड बाय नेल्सन सेल, नेल्सन सेल से प्रिपेयर करते हैं। नेल्सन सेल में हाइड्रोलाइसिस होता है एक्वस सोडियम क्लोराइड का, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, Na पॉजिटिव आइन प्लस Cl नेगेटिव आइन प्रोड्यूस करेगा। अब एनोड पे जाएगा एनाइन, तो एनोड पे रिएक्शन क्या होगा, रिएक्शन एट एनोड, Cl नेगेटिव आइन एनोड पे आएंगे, इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे और Cl2 प्रोड्यूस करेंगे, 2e नेगेटिव 2Cl नेगेटिव। एनोड का रिएक्शन डाउन सेल और नेल्सन सेल में सेम होता है, लेकिन कैथोड का जो रिएक्शन है वो डिफरेंट है और कैथोड पे बजाय के रिडक्शन ऑफ सोडियम आयन हो, हाइड्रोलाइसिस ऑफ वाटर हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर हो जाएगा। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो वाटर गेन करेगा, वाटर पिक अप इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन लेगा और यहाँ से प्रोड्यूस करेगा H2 गैस प्लस टू ओ एच नेगेटिव आइंस, यहाँ टू एच टू ओ कर लें, दो वाटर के मॉलिक्यूल हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेंगे प्लस ओ एच नेगेटिव आइन हाइड्रोक्साइड आइन प्रोड्यूस कर देंगे।
अब यहाँ पे ओवरऑल अगर हम रिएक्शन लिखेंगे तो ओवरऑल रिएक्शन, मैं यहाँ ओवरऑल रिएक्शन लिख देता हूँ, नेल्सन सेल में ओवरऑल रिएक्शन क्या हो जाएगा, इन दोनों रिएक्शन को सम कर लें, इन तीनों रिएक्शंस का सम कर दें, दो नहीं इन तीनों का सम करें, क्योंकि हमारे पास Na पॉजिटिव आयन भी इस एक्वस सॉल्यूशन में मौजूद होंगे, OH नेगेटिव आयन भी होंगे, तो हमारे पास ओवरऑल रिएक्शन क्या हो जाएगा, NaCl प्लस, या NaCl के बजाय मैं Na पॉजिटिव आयन लिखता हूँ, Na पॉजिटिव आयन मौजूद होंगे, Cl नेगेटिव आयन है, 2Cl नेगेटिव आयन प्लस H2O, 2H2O प्रोड्यूस क्या होगा, Cl2 क्लोरीन गैस, H2 हाइड्रोजन गैस प्लस Na पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन, ठीक है, यहाँ मौजूद है OH नेगेटिव आयन। अब ये Na पॉजिटिव आयन को भी अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ तो भी ठीक है, ये Na पॉजिटिव OH नेगेटिव Na OH बना लेंगे, क्लोरीन गैस प्रोड्यूस होगी प्लस हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास इसका मतलब है सॉल्यूशन में लिक्विड फेस में रह जाता है Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन, और हम जब वाटर को एवोपरेट करते हैं तो हमें सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड मिलता है। तीसरा इंडस्ट्रियल इम्पोर्टेंस का जो प्रोसेस है वो है मैन्युफैक्चर ऑफ मैग्नीशियम एंड क्लोरीन और मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, मैन्युफैक्चर ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम मेटल। तो मैग्नीशियम और कैल्शियम मेटल भी हासिल किए जाते हैं बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ क्लोराइड्स ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, मैग्नीशियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड के इलेक्ट्रोलाइसिस से इंडस्ट्री में मैग्नीशियम और कैल्शियम मेटल हासिल किया जाता है। तो मैग्नीशियम एंड कैल्शियम मेटल्स आर ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम क्लोराइड, और इसमें भी क्या होगा, मैग्नीशियम मेटल हमारे पास कलेक्ट हो जाएगा कैथोड पे, जबकि एनोड पे क्या होगी, Cl नेगेटिव की ऑक्सीडेशन और Cl2 बनाएगा, लाइक फ्यूज सोडियम क्लोराइड, जैसा कि फ्यूज सोडियम क्लोराइड के केस में था। तीसरा, चौथा इंडस्ट्रियली इम्पोर्टेंट प्रोसेस इलेक्ट्रोलाइसिस का जो है हमारे पास वो है मैन्युफैक्चर ऑफ या इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ आयरन बॉक्साइट, बॉक्साइट की इलेक्ट्रोलाइसिस से हम आयरन मेटल हासिल करते हैं, ठीक है। आयरन मेटल इज ऑब्टेन इन इंडस्ट्री बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ बॉक्साइट, और बॉक्साइट हमारे पास क्या है, और है आयरन की Fe2O3.2H2O, इसे हम बॉक्साइट कहेंगे, और इसका इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ क्रायोलाइट, क्रायोलाइट यूज़ किया जाता है Na3AlF3, ठीक है, सोडियम एल्यूमिनियम फ्लोराइड एज अ क्रायोलाइट यूज़ करते हैं, और इलेक्ट्रोलाइसिस से आयरन मेटल प्रोड्यूस किया जाता है। तो ये एक हमारे पास मजीद इंडस्ट्रियल इम्पोर्टेंस का इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस या इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस है। इसके अलावा हमारे पास पांचवा प्रोसेस इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस इंडस्ट्रियल इम्पोर्टेंस का जो है वो है प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉपर मेटल। कॉपर मेटल की प्यूरिफिकेशन की जाती है, ठीक है, इम्प्योर कॉपर को प्यूरिफाई करते हैं बाय इलेक्ट्रोलाइसिस, तो प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉपर मेटल। और कैसे प्यूरिफाई किया जाता है, कॉपर मेटल का इलेक्ट्रोलाइसिस कॉपर सल्फेट के इलेक्ट्रोलाइट में किया जाता है। हम एक इलेक्ट्रोड प्योर कॉपर की ले लेते हैं और एक इलेक्ट्रोड इम्प्योर कॉपर की, इम्प्योर कॉपर, दूसरा इलेक्ट्रोड होता है प्योर कॉपर, और इलेक्ट्रोलाइट होता है कॉपर सल्फेट CuSO4।
अब जब इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे और इसे बैटरी के सोर्स से, इलेक्ट्रिसिटी के सोर्स से कनेक्ट करेंगे, हमें पता है ऑक्सीडेशन अकर्स एट एनोड, रिडक्शन अकर्स एट कैथोड, कैथोड पे रिडक्शन होगी, एनोड पे ऑक्सीडेशन होगी। ऑक्सीडेशन का मतलब है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मेटल अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और मेटल कैटाइन में चेंज होगा, ठीक है। ऑक्सीडेशन अकर्स एट एनोड, तो इम्प्योर कॉपर की एनोड बनाई जाती है। इम्प्योर कॉपर क्या हो जाएगा? एनोड। और प्योर कॉपर को बनाएंगे कैथोड, ठीक है। प्योर कॉपर को एज अ कैथोड, इम्प्योर कॉपर को एनोड। अब होगा क्या, कॉपर सॉलिड जो कि एनोड, एनोड है इम्प्योर कॉपर का, इसकी ऑक्सीडेशन होगी और ये कॉपर पॉजिटिव आयन में चेंज हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। और मेटल के कैटाइन वाटर सॉल्युबल होते हैं, तो जैसे ही ये कॉपर, इम्प्योर कॉपर का इलेक्ट्रोड ऑक्सीडाइज होता है, ये कॉपर सॉलिड मेटल यहाँ डिसॉल्व होके कॉपर टू पॉजिटिव आयन बनाना शुरू कर देता है। तो मैस ऑफ एनोड डिक्रीजेस, एनोड का मैस कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा होगा। दूसरी तरफ ये कॉपर टू पॉजिटिव आयन मूव करेंगे, ये कैटाइन है, दे मूव टूवर्ड्स कैथोड, कैटाइन कैथोड की तरफ मूव करेगा। और जब ये कैटाइन कैथोड पे पहुंचेगा तो ये कॉपर टू पॉजिटिव आयन दो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और रिडक्शन होगी, क्योंकि हमें मालूम है रिडक्शन अकर्स एट कैथोड, और कॉपर सॉलिड में चेंज हो जाएगा। इसका मतलब है ये कॉपर का टू पॉजिटिव आयन यहाँ आके अटैच हो जाएगा, सॉलिड डिपॉजिट हो जाएगा इस इलेक्ट्रोड में। इसका मतलब है प्योर कॉपर की जो इलेक्ट्रोड है इसका मैस कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा होगा। इम्प्योर कॉपर से कॉपर डिसॉल्व होगा, कैटाइन बनाएगा, वो कैटाइन प्योर कॉपर की इलेक्ट्रोड पे, कैथोड पे पहुंचेगा और उस पर डिपॉजिट हो जाएगा। जो इम्प्योरिटी हैं वो यहाँ सेटल डाउन हो जाएंगी या इस इलेक्ट्रोलाइट में डिसॉल्व रह जाएंगी, ठीक है, क्योंकि उनकी ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं होगी। तो इस मेथड के ज़रिए प्यूरीफाई किया जाता है कॉपर मेटल को इंडस्ट्री में, और 99.99% प्योर कॉपर हासिल की जाती है। इसके अलावा यही मेथड यूज़ किया जाता है फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग द मेटल जो कि हम कोट करना चाहते हैं दूसरे मेटल पे, उसको हम एनोड के तौर पे यूज़ करते हैं, और जिस चीज़ पे कोटिंग करनी होगी उसे एज अ कैथोड यूज़ करेंगे, तो एनोड डिसॉल्व होगी और कैथोड पे डिपॉजिट हो जाएगी। तो सिल्वर, गोल्ड, टिन, ठीक है, निकल और क्रोमियम वगैरह की कोटिंग की जाती है, जिसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं बाय इलेक्ट्रोलाइसिस इन इंडस्ट्री। तो ये कुछ प्रोसेस हैं जो कि इंडस्ट्रियल इम्पोर्टेंस के हैं या इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस यूज होते हैं इंडस्ट्री में। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम बात करेंगे अबाउट गैल्वेनिक सेल और वोलेटाइल सेल। हमने अभी तक पहले जो बात की वो था इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, और हमने कहा था इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एक ऐसा सेल है जिसमें एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होता है जिसे ड्राइव करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल की जाती है। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट ड्राइव अ नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन, सेल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इसके अपोजिट गैल्वेनिक सेल और वोलेटाइल सेल एक ऐसा सेल है जिसमें एक स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होगा, ठीक है, और प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रिसिटी। प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी सेल इन विच स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन अकर्स एंड गिव्स एन इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड गैल्वेनिक और वोलेटाइल सेल। गैल्वेनिक और वोलेटाइल सेल की हमारे पास एग्जाम्पल है निकल कैडमियम सेल, निकल कैडमियम सेल गैल्वेनिक और वोलेटाइल सेल है। अल्कलाइन बैटरी गैल्वेनिक सेल है। ड्राई सेल
जो कि हम वॉल क्लॉक, रिस्ट वॉच वगैरह में यूज़ कर वॉल क्लॉक वगैरह में या टॉयज़ में यूज़ करते हैं, ये एक गलवानिक सेल है जिसमें खुद ब खुद स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन हो रहे हैं और हमें इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करते हैं। जिंक कॉपर सेल, ये जो ड्राई सेल होता है ये जिंक कॉपर सेल, या इसके अलावा हम ऐड कर लेते हैं जिंक कॉपर सेल, ठीक है। ये जिंक कॉपर सेल, जिंक की एनोड होती है, ठीक है, ऑक्सीडेशन होगी इसकी, दूसरा मेटल की रिडक्शन होगी, एक कैथोड एक एनोड, यहाँ एनोड कैथोड, ठीक है। ये सारे क्या हैं, ये गलवानिक और वॉलेटाइल सेल इन्हें हम कहते हैं, जिनमें स्पॉन्टेनियस खुद बहुत रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है, हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहा है। अब अगर हम बात करें गलवानिक और वॉलेटाइल सेल, इसमें होता क्या है, हमें मालूम होना चाहिए कि इसमें कौन कौन सी चीज़ है और इसका क्या फंक्शन है। सबसे पहले गलवानिक सेल कंसिस्ट ऑफ टू हाफ सेल्स, ये टू हाफ सेल्स का बना होता है। वॉलेटाइल सेल एक सेल है, एक कंपार्टमेंट में दो इलेक्ट्रोड होते हैं। गलवानिक सेल में दो अलग अलग कंपार्टमेंट में एक एक इलेक्ट्रोड होता है और इन्हें टू हाफ सेल्स कहते हैं। गलवानिक सेल में दो डिफरेंट कंपार्टमेंट होते हैं, इट मेड अप ऑफ, इट कंसिस्ट ऑफ टू कंपार्टमेंट इन विच वन इलेक्ट्रोड इज इमर्स्ड इन टू सोल्यूशन ऑफ इट्स ऑन आइंस। इसका मतलब है गलवानिक सेल में क्या होगा, टू हाफ सेल्स होंगे, ईच हाफ सेल इज मेटल इलेक्ट्रोड, ठीक है। हर एक हाफ सेल में क्या होगी, एक मेटल इलेक्ट्रोड, डिफरेंट मेटल, दोनों में डिफरेंट मेटल के इलेक्ट्रोड होंगे। इन गलवानिक सेल इलेक्ट्रोड आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मेटल्स। अगर हम सेम मेटल लेंगे तो कोई रिएक्शन नहीं होता, नो रिएक्शन। अगर मैं कॉपर की एनोड लूँ, कॉपर की कैथोड लूँ, कोई स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होगा। जब हम दो डिफरेंट इलेक्ट्रोड लेते हैं तो जिस एक मेटल की एबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, दूसरे की कम है, तो जिसकी एबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगी वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, दूसरा मेटल रिड्यूस हो जाएगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो इस गलवानिक सेल में क्या होना चाहिए, टू डिफरेंट मेटल इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। गलवानिक सेल कंसिस्ट ऑफ टू डिफरेंट मेटल इलेक्ट्रोड्स, दो अलग अलग मेटल के इलेक्ट्रोड इमर्स्ड इनटू सॉल्यूशन ऑफ ऑन आइंस। जिस मेटल की इलेक्ट्रोड उसके अपने आइंस के सॉल्यूशन में होगी। अगर हम लेते हैं कॉपर इलेक्ट्रोड तो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, अगर हम लेंगे जिंक इलेक्ट्रोड तो जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन, जिंक के आइंस का सॉल्यूशन होना चाहिए, ठीक है। अगर हम एल्युमिनियम की इलेक्ट्रोड लेते हैं तो एल्युमिनियम के आइन का सॉल्यूशन, अगर हम सिल्वर की लेंगे तो सिल्वर के आइंस का सॉल्यूशन। जिस मेटल की इलेक्ट्रोड होगी उसी मेटल के आइंस का सॉल्यूशन होगा, ठीक है। टू इलेक्ट्रोड्स आर कनेक्टेड बाय अ वायर, गलवानिक सेल में इलेक्ट्रोड्स कनेक्ट होंगे बाय वायर, जबकि दो जो सॉल्यूशन है, ठीक है, ये कनेक्ट होंगे बाय अ सॉल्ट ब्रिज, ठीक है। ये आपस में कनेक्ट होंगे सॉल्ट ब्रिज के जरिए। तो इलेक्ट्रोड्स आर कनेक्टेड बाय वायर, सॉल्यूशंस आर कनेक्टेड बाय सॉल्ट ब्रिज, सॉल्यूशन सॉल्ट ब्रिज के जरिए कनेक्ट होंगे। सॉल्ट ब्रिज क्या होगा, सॉल्ट ब्रिज जनरली कोई इलेक्ट्रोलाइट होगा, लाइक KCl इन अ जेल, ठीक है। सॉल्ट ब्रिज क्या होगा, सॉल्ट ब्रिज इज KCl इन अ जेल, ठीक है। जेल में
पोटाशियम क्लोराइड है। ये हमारे पास कंस्ट्रक्शन हो गई। अब जो रिएक्शन होगा, ईच हाफ सेल कन जनरेट या कॉज हाफ रिएक्शन, हर हाफ सेल में हाफ रिएक्शन हो रहा होगा, हाफ ऑक्सीडेशन और हाफ रिडक्शन अकर इन हाफ सेल्स, इन अ हाफ सेल। एक हाफ सेल में ऑक्सीडेशन, दूसरे हाफ सेल में रिडक्शन, ओवरऑल रिडॉक्स रिएक्शन, उन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। जी स्टूडेंट्स, तो हम बात कर रहे थे गैल्वेनिक सेल की, और अभी हमने बात की है गैल्वेनिक सेल टू कंपार्टमेंट पे मुश्तमिल होगा। हर एक इलेक्ट्रोड उसके अपने ही आयन के सॉल्यूशन में इमर्स्ड होगी। दो डिफरेंट मेटल के इलेक्ट्रोड होंगे, इलेक्ट्रोड मेड अप ऑफ डिफरेंट मेटल। अगर सेम मेटल होता है तो स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन उस वक्त होता है जब दो डिफरेंट मेटल हों और उनके रिडक्शन पोटेंशियल में डिफरेंस हो, एक मेटल की एबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो, दूसरे मेटल की एबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन कम हो। अब जिसकी एबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन कम होगी वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, जिसकी ज़्यादा होगी वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, उसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी, दूसरे की रिडक्शन हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हमने बात की टू इलेक्ट्रोड्स आर कनेक्टेड बाय वायर, उसमें हम जो भी मोटर बल्ब जो चीज़ भी लगाएं जिसको हम इलेक्ट्रिसिटी से ड्राइव करेंगे, और टू सॉल्यूशंस आर कनेक्टेड बाय अ सॉल्ट ब्रिज, दो सॉल्यूशन हमने कहा कनेक्ट होते हैं बाय सॉल्ट ब्रिज। फिर हमने कहा सॉल्ट ब्रिज इज मेड अप ऑफ KCl इन अगर जेल, आयोनिक कंपाउंड अगर जेल में होता है। अब फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज क्या है, हमें फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज मालूम होना चाहिए। फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज क्या कर रहा है, सॉल्ट ब्रिज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल करता है दोनों कंपार्टमेंट को, क्योंकि एक कंपार्टमेंट में ऑक्सीडेशन हो रही है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, दूसरे कंपार्टमेंट में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, रिडक्शन हो रही है, तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रखने के लिए दोनों कंपार्टमेंट को हम सॉल्ट ब्रिज यूज करते हैं। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रैलिटी, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रखता है, ठीक है। उसके बाद सॉल्ट ब्रिज दूसरा काम क्या करता है, सॉल्ट ब्रिज प्रोवाइड इलेक्ट्रिकल कंटैक्ट बिटवीन टू सॉल्यूशंस, दो अलग अलग कंपार्टमेंट हैं तो वो एक दूसरे के साथ इन कंटैक्ट हैं बाय सॉल्ट ब्रिज, इट प्रोवाइड इलेक्ट्रिकल कंटैक्ट बिटवीन सॉल्यूशन, क्योंकि दो इलेक्ट्रोड तो वायर से कनेक्ट हैं लेकिन दो सॉल्यूशन सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट हैं। तीसरा, सॉल्ट ब्रिज हेल्प करता है टू कीप द सॉल्यूशन सेपरेट, इलेक्ट्रिकल कंटैक्ट भी है लेकिन आपस में मिक्स भी नहीं हो रहे, ठीक है, कीप सॉल्यूशन सेपरेट, ये है सॉल्ट ब्रिज का काम। अब होगा क्या, मोर एक्टिव मेटल, मोर एक्टिव उसे कहेंगे जिसकी एबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, ठीक है। मोस्ट एक्टिव मेटल ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडाइज होगा गैल्वेनिक सेल में, मोस्ट एक्टिव मेटल ऑक्सीडाइज हो जाएगा, दूसरा मेटल क्या होगा उसकी रिडक्शन हो जाएगी, वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। जैसे कि अगर हम जिंक और कॉपर का सेल बनाएं तो जिंक ऑक्सीडाइज हो जाएगा, कॉपर की रिडक्शन होगी, इसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी, इसकी रिडक्शन, जिंक की एबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, कॉपर की कम है, ठीक है। जितना कम रिडक्शन पोटेंशियल होगा उतनी कम एबिलिटी टू गेन इलेक्ट्रॉन, उतनी ज़्यादा एबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन। जितनी रिडक्शन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू लार्ज होती जाएगी, पॉजिटिव की तरफ जाती जाएगी, एबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन कम होती जाती है, ठीक है, एबिलिटी टू गेन इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होती है। तो जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल कम है, कॉपर का ज़्यादा है, जिंक ऑक्सीडाइज होगा, कॉपर की रिडक्शन हो जाएगी सेल में, ठीक है। एक मेटल ऑक्सीडाइज हो गया, दूसरा रिड्यूस हो गया, इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे फ्रॉम एनोड, जहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है, ऑक्सीडेशन अगर एट एनोड, फ्रॉम एनोड टूवर्ड्स कैथोड, ठीक है, तो यहाँ पे भी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ से होगा, एनोड से जहाँ ऑक्सीडेशन होगी, टूवर्ड्स कैथोड जहाँ रिडक्शन होगी, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे गैल्वेनिक सेल में, और इस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन
की वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा वो ही उस सेल का पोटेंशियल होगा। ये हम बाद में बात करेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और सेल पोटेंशियल क्या होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा फ्रॉम एनोड टूवर्ड्स कैथोड। ये है हमारे पास टोटल गैल्वेनिक सेल की कंस्ट्रक्शन या उसकी मेन मेन पॉइंट्स। अब यहाँ पे एक चीज़ ऐड करते हैं, अगर हम यहाँ पे जो जिस वायर के ज़रिए ये दो इलेक्ट्रोड कनेक्ट हैं, अगर हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर दें, इफ़ वी प्रोवाइड इलेक्ट्रिक करंट, हम अगर बैटरी से कनेक्ट कर दें गैल्वेनिक सेल को, तो ये रिएक्शन रिवर्स होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन शुरू हो जाएगा। सपोज अगर जिंक एनोड थी, कॉपर कैथोड थी, तो अगर मैं गैल्वेनिक सेल को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करूंगा तो कॉपर बिकम एनोड एंड जिंक एक्ट एज कैथोड, ये उलट हो जाएंगे, रिएक्शन रिवर्स हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन हो जाएगा, रिएक्शन रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो इफ वी कनेक्ट गैल्वेनिक सेल टू द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट टू द बैटरी, द रिएक्शन रिवर्स्ड, जो स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन हुआ है उसके रिवर्स नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन हो जाएगा, जो इलेक्ट्रोड एनोड थी ऑक्सीडाइज हो रही थी वो रिड्यूस होना शुरू हो जाएगी, उसका रिएक्शन भी रिवर्स हो जाएगा, और जो कैथोड रिड्यूस हो रही थी वो ऑक्सीडाइज होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो ये रिएक्शन रिवर्स होता है अगर हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, और इसकी हमारे पास एग्जाम्पल है, लेड एक्यूमुलेटर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन करता है, लेड एसिड बैटरी जिसे हम कहते हैं कार बैटरी या हमारे मोबाइल की बैटरी लिथियम आयन बैटरी, स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होता है, हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, हम चार्जर लगाते हैं और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन रिवर्स हो जाता है। ठीक है, फिर दोबारा स्पॉन्टेनियस स्टार्ट होता है, हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है। स्टूडेंट्स, अभी हमने बात की कि अगर हम गैल्वेनिक सेल को, वोलेटाइल सेल को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे तो रिएक्शन रिवर्स हो जाएगा एंड इट एक्ट एज अ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, और वो एक्ट करेगा एज अ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इसके बाद हमें मालूम होना चाहिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ वोलेटाइल सेल, एक गैल्वेनिक सेल को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। मैं सिंपल एग्जाम्पल ले लेता हूँ जिंक और कॉपर के सेल की। अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रोड एनोड जिंक का हो और कैथोड कॉपर मेटल का हो, ठीक है, इस सेल को हम डैनियल सेल कहते हैं, डैनियल सेल जिंक और कॉपर के सेल को कहा जाता है। ठीक है, इसका दूसरा नाम डैनियल सेल है, कॉमनली इसको डैनियल सेल कहा जाएगा। अगर हमारे पास जिंक कॉपर का सेल है, हमें मालूम है जिंक जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में होगा, कॉपर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में होगा। जब हम स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल मेजर करते हैं तो इन सेल को इमर्ज किया जाता है इनके वन मोलर सॉल्यूशन में, तो सॉल्यूशन कितना होता है, मेटल इलेक्ट्रोड इमर्ज इनटू वन मोलर सॉल्यूशन, और टेम्परेचर जो होता है वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर 180 प्रेशर होता है, 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। अब हम इस सेल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस सेल को एक लाइन में रिप्रेजेंट किया जाता है, इसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है जिसे सेल नोटेशन भी कहा जाता है। ठीक है, इसकी रिप्रेजेंटेशन को हम सेल नोटेशन भी कहते हैं। और सेल नोटेशन या रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल कैसे होती है, सबसे पहले हम लिखते हैं वो मेटल जो कि एक्ट करता है एज अ एनोड, और उसके बाद ऑक्सीडेशन के बाद उसका जो आयन बनता है। तो सबसे पहले मैं अगर इस सेल की रिप्रेजेंटेशन लिखूंगा तो जिंक मेटल इसमें एनोड है तो मैं जिंक लिखूंगा सॉलिड। अब जिंक सॉलिड क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा और Zn2 पॉजिटिव आयन बनाएगा, आयनाइजेशन होगी। तो मैं इसके बाद स्लैश Zn2 पॉजिटिव आयन्स लिखूंगा और ये क्या होंगे, एक्वस। और किस चीज का, ये हो गया मेटल इलेक्ट्रोड, ये हो गया इलेक्ट्रोलाइट जिस सॉल्यूशन में इमर्ज्ड है, हमने कहा जिंक जिंक सल्फेट में इमर्ज्ड है और उसमें Zn2 पॉजिटिव आयन है। तो हम पहले लिखते हैं मेटल इलेक्ट्रोड एनोड, एनोड के किस इलेक्ट्रोलाइट में है वो इलेक्ट्रोलाइट, उसकी कंसंट्रेशन कितने मोलर इलेक्ट्रोलाइट है, 1 मोलर। ठीक है, उसके बाद ये दो लाइन लगाई हमने,
इसके बाद हम लिखेंगे कैथोड, ठीक है। और कैथोड में क्या होगा, हमारे पास रिडक्शन हो रही है कैथोड पे, तो जिन आयंस की रिडक्शन होगी, पहले वो आयन और उसके बाद कैथोड इलेक्ट्रोड। तो पहले यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट है वो क्या है, कॉपर टू पॉजिटिव आयन एक्वस वन मोलर है। उसके बाद ये कॉपर टू पॉजिटिव आयन रिड्यूस होंगे और बनाएंगे कॉपर सॉलिड, तो ये आ जाएगा कॉपर सॉलिड। इसे हम कहेंगे सेल नोटेशन। और इसके बाद इसके आगे हम लिख देते हैं ई नॉट ऑफ सेल, जो कि हमारे पास सेल पोटेंशियल होगा। तो यहाँ पे लिखा होता है ई नॉट इज इक्वल टू, अब ये जो डैनियल सेल है इसका ई नॉट सेल पोटेंशियल होता है 1.1 वोल्ट, तो यहाँ हम 1.1 वोल्ट इसका सेल पोटेंशियल लिख देंगे। इस लाइन को हम कहते हैं सेल नोटेशन। अगर कोई भी सेल है उसमें जो एनोड होगी एनोड लिखें, जो इलेक्ट्रोलाइट है वो लिखें, उसकी कंसंट्रेशन लिखें। उसके बाद ये जो दो लाइन है, ये जो दो लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रही है किसको, सॉल्ट ब्रिज, ये रिप्रेजेंटेशन है सॉल्ट ब्रिज की, तो सॉल्ट ब्रिज डालें। उसके बाद वो आयन जो कि रिड्यूस हुआ है, वो आयन उसकी कंसंट्रेशन, इसका मतलब है जो कैथोड का इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट कैथोड मेटल की सेलेक्ट, कैथोड की इलेक्ट्रोड जिस मटेरियल की है, उसके बाद सेल का पोटेंशियल कितना है, ठीक है। तो इसे हम सेल नोटेशन कहते हैं, और किसी भी सेल को रिप्रेजेंट किया जा सकता है सेल नोटेशन के जरिए। अगर सेल नोटेशन लिखी हो तो हमें देख के मालूम होना चाहिए कि पहले जो चीज़ लिखी होगी ये एनोड होगी, बाद में यहाँ जो इलेक्ट्रोड होगी मटेरियल होगा ये कैथोड होगा, ये जिनके आगे कंसंट्रेशन लिखी हुई है ये इलेक्ट्रोलाइट होंगे। अगर ये दो लाइनें मौजूद हैं तो सॉल्ट ब्रिज है, ठीक है, कनेक्टेड बाय सॉल्ट ब्रिज है। और यहाँ जो लिखा जाएगा ये ओवरऑल इस सेल का पोटेंशियल होगा, ठीक है।